नमस्कार, सतना स्टैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवांगी त्रिपाठी। भारत की आबादी 1 जुलाई को 139 करोड़ हुई। नई दिल्ली भारत की आबादी 139 करोड़ हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने लोकसभा में 25 जुलाई मंगलवार को ये जानकारी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया, संयुक्त राष्ट्र इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स डिपार्टमेंट पॉपुलेशन डिवीजन के ऑनलाइन पब्लिकेशन और वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के मुताबिक चीन की जनसंख्या 1 जुलाई 2023 को 1,42,56,71,000 अनुमानित की गई थी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में बताया कि आबादी पर नेशनल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 1 जुलाई 2023 को भारत की जनसंख्या के 1,39,23,29,000 होने का अनुमान जताया था। राय ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने 2021 में जनगणना कराने के लिए 28 मार्च 2019 को गजट में नोटिफिकेशन दिया था, लेकिन इसी साल 2019 कोविड आ जाने के कारण जनगणना से जुड़ी गतिविधियों को रोक दिया गया। दुनिया में 800 करोड़वें बच्चे का जन्म 1 से 100 करोड़वें पहुंचने में 1800 साल लगे। इतने ही लोग पिछले 12 साल में बढ़ गए। दुनिया में 800 करोड़वें बच्चे ने नवंबर 2022 में जन्म लिया। जनसंख्या को रियल टाइम ट्रैक करने वाली साइट के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 1:30 पर इस बच्चे ने जन्म लिया। इसके साथ ही दुनिया की आबादी भी 8 अरब 800 करोड़ हो गई है। धन्यवाद।